नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। हमें इन्फॉर्मेशन है और मैंने अपनी उनके साथ हम पूरा हमारी दो दफा नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई है। पाकिस्तानी फौज को पूरी तरह पता है कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है आजाद कश्मीर में एक्शन लेने का। जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट में एक्शन लिया था, उससे भी हमें जो इंफॉर्मेशन है, ज्यादा खौफनाक प्रोग्राम बनाया हुआ है दुनिया की नजर उठाने से। ये जो ये करने जा रहे हैं कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, उसकी नजर उठाने से इन्होंने आजाद कश्मीर में एक्शन लेना। पिछले दिनों जब भारत और इजराइल के विदेश मंत्रियों के बीच बात हुई तो सबसे पहले पाकिस्तान के कान खड़े हुए। वैसे भी जब तब बेंजामिन नेतन्याहू पीएम मोदी को मेरा प्रिय मित्र कहते हैं, इमरान की छाती पर सांप लौटने लगते हैं। इजराइल में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद विदेश मंत्री का पद संभालते ही गाबी अस्केनजी ने भारत को सबसे पहले फोन किया था। उन्होंने अपने समकक्ष एस जयशंकर से लंबी बात की। इजराइल रक्षा मंत्री बेनी गेट्स भी राजनाथ सिंह से बात कर चुके हैं। खास बात यह है कि गाबी अस्केनजी इजराइल रक्षा बलों के पूर्व प्रमुख हैं। बालाकोट में ठोक बजाई में उनकी भूमिका भी चर्चा में रही थी। इजराइल में स्थायी सरकार बनने के बाद तो पाकिस्तान में घबराहट ज्यादा बढ़ गई है। इमरान खान गिलगित बाल्टिस्तान इलाके का मौसम बताने के पीछे इजराइल और भारत के गठजोड़ को देख रहे हैं। यानी पाकिस्तान को लगता है कि अब यह दोनों देश मिलकर कुछ बड़ा करने की फिराक में है। उसकी यह घबराहट बेवजह भी नहीं है। पाकिस्तान की अपनी खुफिया रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत के यहूदी इजराइल में जाकर वहां की सेना में भर्ती हुए हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त करके वापस भारत लौटे हैं और उन्होंने भारतीय सेना को इजरायली सेना से मिली बारीकियों को सिखाया है। यह प्रशिक्षण फिलिस्तीन से लगी सीमाओं के पास लिया गया है। यानी पाकिस्तान को लगता है कि भारत किसी बड़ी कार्रवाई के इंतजार में है। इस डर का एहसास इमरान खान ने अपने कल ट्वीट में भी किया है। उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान पर कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है। संभवतः उनके इस डर के पीछे इसी रिपोर्ट का खुलासा है। अब एक्शन होगा या नहीं, पर पाकिस्तान का पैनिक रिएक्शन जरूर सरगर्मी बढ़ा रहा है। पाकिस्तान आर्मी ने सीमा के नजदीक अपनी तोपें तैनात कर दी है। साथ ही आसपास के इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। घबराहट का आलम यह है कि F-16 और JF-17 रात दिन पेट्रोलिंग करते फिर रहे हैं। यानी हालात कुछ बड़ा होने का संकेत दे रहे हैं। दरअसल इसके पीछे मोदी की कार्यप्रणाली भी काम कर रही है। 370 CA 3 तलाक, राम मंदिर मुद्दा, पाकिस्तान को सबक सिखाने जैसे उन्होंने जो चुनावी वादे किए थे, शुरुआत में पाकिस्तानी ने चुनावी जुमले समझ रहा था, मगर मोदी ने हकीकत में करके दिखा दिया है। अब अगर मोदी पाकिस्तान पर एक लाइन भी बोलते हैं तो मदरसा जमात समझ जाती है कि मोदी 100% कुछ बड़ा करने वाले हैं। खासतौर से जब से पीओके को लेकर भारत में आवाज बुलंद हुई है, पाकिस्तान को आभास हो चुका है कि अब यह इलाका बचना मुश्किल है। पर मामला यहां तक सीमित नहीं है। इसी साल के अंत में अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं। इजराइल में स्थायी सरकार बन चुकी है, जबकि जुलाई में राफेल और इसके अगले महीनों में रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत आने वाला है। यानी भारत के पास अभी भी कुछ वक्त बाकी है, मगर तब तक पाकिस्तान की बेवकूफ सेना को दूसरे लफड़ों में उलझाकर भारत एक एक्शन प्लान तैयार करने की ओर बढ़ रहा है। मोदी सरकार के लिए पीओके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसे हासिल करना भारतीय जनता पार्टी का प्रथम ध्येय रहा है। इजराइल भारत का सबसे खास रक्षा सहयोगी है। इजराइल से भारत 100 अरब रुपए से ज्यादा का सैन्य साजा सामान प्रतिवर्ष आयात करता है। बालाकोट में जिन स्पाइस बम का इस्तेमाल हुआ, वे इजराइल से ही आए थे। सीमा की निगरानी के लिए भारत जिन 108 सर्चर 68 हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, वह इजराइल की ही देन है। इसके अलावा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यूएई टोह लेने वाली तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाला गोला बारूद बड़ी मात्रा में इजराइल से ही आयात होता है। यानी पीओके की वापसी में इजराइल की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान की कपकपी बताने के पीछे इजराइल की सरकार के नुमाइंदों का भारत से बढ़ता वार्ता का सिलसिला है। ऊपर से पाकिस्तान का टिकटैक जिस तरह की आशंका जाहिर कर रहा है, उससे भी पाक में हड़बड़ाहट बढ़ गई है। हालांकि अपनी जनता का हौसला बढ़ाने के लिए उसने लड़ाकू विमानों और तोपों की तैनाती जरूर की है, मगर वो यह भी जानता है कि इससे भारत को रोकना नामुमकिन है।
ऐसे में इमरान खान ट्विटर को ही रणभूमि समझ बैठे हैं, पर बावजूद इसके दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान से पीओके वापस लेने के लिए भारत में पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। देश में जहां उम्मीदें शिखर पर हैं, वहीं पाकिस्तान के घुटने टूटते जा रहे हैं। पाक हुकुमरानों को आभास होने लगा है कि पीओके कभी भी उनके हाथ से फिसल सकता है, मगर हाथ पैर मारकर वे अपनी जीवटता का प्रमाण अवश्य दे रहे हैं। पर सच्चाई यही है कि इसमें जीवटता कम घबराहट ज्यादा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।